पावर बैंक का क्या करेगा? सुतड़ो में देगा अपने? सुतड़ो में से दे लिया काफी ठीक है। पहली बात तो स्टेडियम में पावर बैंक वगैरह के लिए भी एक बैग चाहिए, पहले कैरी बैग तो मियां मोर का दे वहां के। सही बता, सच बात है वो, एक कैरी बैग चाहिए। नगर में ढिंडोरा पिटवा दो मामा, वर्ल्ड कप की टिकट मिली हुई भी है और वर्ल्ड कप के लिए एक दिन पहले निकल भी चुके। और कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, और कौन आ रहा है? तुम ये देखो पीछे छोटा लक्ष्य वीर चौधरी, ये दो ये भी आ रहे हैं। तो नगर में ढिंडोरा पिटना चाहिए यार की किंग्स। अरे हम भी तो आ रहे हैं, हमारे से बड़ा सेलिब्रिटी कौन? एक बार को तो विराट नहीं, विराट कोहली भी लकी फील करेगा कि वो ये असली किंग आ गए। अच्छा वीर, अगर ऐसा हो जा कोहली भाई करने लगे, अरे वीर भाई आपके शॉर्ट्स तो मैं बहुत देखता हूँ, आपके वो बहुत पसंद। नहीं तभी तो मैंने डाल, विराट कोहली ने देखते ही मारना शुरू कर दिया साले, क्या कितनी खराब वीडियो बना है। पहचान लिया, पहचान तो ही बटावट होनी शुरू होगी सारों में। ढाका पहचान लिया विराट कोहली ने को, साले बहुत ज्ञान दे दो अपने चैनल पे। इसी बात को तो मारेगा हर्ष, नहीं तो बोला था कि भाई ब्लॉग बना लेना, मिनी ब्लॉग 1.5-2 मिलियन जाएगा, वो 3.5 मिलियन चला गया। अरे तू ही बता मेरा इंस्टाग्राम कितने मिलियन जाएगा अब? नया वाला या छोड़ दूं? नया वाला क्यों छोड़ दूं, नए वाले पे तो रील बना रहे हो ना, कंटेंट बना रहे हो? बना रहा हूँ, एक ही तो डाल ली अब तक। मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया यार वीर, अब मैं क्या करूँ यार। अकाउंट में से ना इमेजिनेशन से ऊपर चला जाता है तो फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मेरी मतलब तेरी सोच छोटी यार, फिर ज्यादा ही कमा लिया हो तेरा नाइटमेयर है वैसे ही है, इंस्टाग्राम डिलीट होना जैसे मेरा हुआ। मेरा नाइटमेयर है कि कहीं मेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाए और फिर कोई मेरा कॉल ना उठाए। चैनल की स्ट्राइक बैठवा दूंगा मैं, इस टाइम कुछ भी कर सकूं, दिक्कत नहीं है, मैं कर कुछ भी सकता हूं। अपनी नहीं हट पाई लेकिन मुझे यार उस अकाउंट पे ना क्या हो रहा था कि उसमें बग्स वगैरह इतने थे कि फिर मैंने ये सोचा कि इस पे वापस इसे रिकवर करवाने में, 2-4 लोगों को फोन करने में, उससे बढ़िया है नया अकाउंट बना के लोगों को टारगेट देता चलो मगा भी से 100K कराओ, फिर 200K, फिर 300, फिर 400। अरे मैं ना नोटिफिकेशन दिखे थे ना मैसेज दिखे थे और ना एनालिटिक्स दिखे थे, डैशबोर्ड में भी नहीं मेरे कुछ आया करता था। क्या बफर आता था ना, रील अपलोड कर देते थे। हाँ तो फिर मैं सोचा मैं चल कोई नहीं, जा ही रहा है तो इसकी अच्छे से विदाई कर देते हैं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत अलग टाइप का कॉन्टेंट बना दूँ, इसका यूजर नेम लक्ष्य ओनली से लक्ष्य ओनली फैंस कर दूं। अब के इंस्टाग्राम एक ही पोस्ट पर डिलीट हो रहा है, इस बार दूसरा चांस नहीं देने का। हाँ तो अभी हम कहाँ तक पहुँच गए भाई? हाईवे पे हैं अभी हम, फरीदाबाद से जस्ट उस मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ना, गुजरात मुंबई एक्सप्रेसवे, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, क्या नाम है इसका बेचारे का? दिल्ली मुंबई है, पर दिल्ली मुंबई, हाँ वडोदरा जाना तो उस पर ही है, समझ गए होंगे तुम, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं देते। और भाई मेरे से कुछ खर्चा मत कर भैया, मेरा होगा इंस्टाग्राम डिलीट, मेरी कमाई का सोर्स चला गया, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर ही जा रहा हूँ भैया, पर बड़े भाई कमाते तुम यूट्यूब से हो। अभी तुम्हारे भाई वीरपाल सतपाल ने एक्सप्रेस वे पे ऐसा मुद्दा है बिल्कुल बहा दिया, वहां लगने वाला बस एडी पे लगने वाला, ये इन्होंने बरसात के लिए बनाया होगा, पर तुम्हारा भाई बरसात से कम है क्या? देख लो कांटा छूने वाला। मुझे बताओ यार ये क्यों बनाए, कुंड से क्यों बनाए जाए, या तो ये होगा कि जो बारिश का पानी है वो नीचे चला जाए ना, मेरा दिमाग तो यही बोल रहा है, जो मेरा शार्प माइंड है IITN। तो अभी हम एक्सप्रेसवे के बीच में बिल्कुल जयपुर जहाँ पे जयपुर में कट हुआ है वहाँ पे रुक के हम वेट कर रहे हैं अपने 5वें साथी का, तो वो आने लग रहे हो, जयपुर से ही है वो, उन्हें 10 मिनट लगेगी यहाँ तक आने में। हम सोच रहे थे कि एक बार एग्जिट करके चले ही जाएं, पर मैंने कहा एक्सप्रेस वे क्यों छोड़े, फिर हम अंदर का रास्ता नहीं पता, तो मैंने कहा उन्हें ही बुला लिया जा बाहर, यहीं से उठा के यू टर्न मार के चल देंगे। अभी 6:15 और हमें चलना है, लेकिन आज हम इतना सफर कर देंगे कि कल का सफर हम बिल्कुल नेक्स्ट टू जीरो कर देंगे। स्टेडियम के साइड में गाड़ी लगा के सोऊंगा आज तो, मैं तो सोच रहा हूँ स्टेडियम के अंदर ही लग जा, एम्बुलेंस पे ही खड़ी कर देंगे, ले जाने कान पे इतने लगे हवाई हवा में तेरा आगे बाहर काट देंगे। इस टाइम तो वो होगी कौन से बोल लग रहे हैं, PSG कौन सा वो कमांडो है, SPG कमांडो, मुझे लगा SPD की बात कर रहे हैं हमारा मोदी जी, तो आप इलिया में सीज वही है। अच्छा वीर पता करिए दुवाली पर पहुंच गई है, आ रहे हैं क्या यार, उसका व्हाट्सएप लाइव लोकेशन आया था लेकिन अभी नेटवर्क नहीं चल रहा, मेरा डबल टिक तो आ गया लेकिन उसने रीड रिसिप्ट बंद कर रखी, तो मैं तो ड्राइव कर रहा, मैं उसके फोन ही नहीं उठा पा रहा यार। क्या कह रहा हूँ मैं, बोल रहा मेरी लोकेशन, मेरा नेट नहीं चल रहा। नहीं तो मेरे से रिसिप्ट का पूछ रहा था ना, भाई रिसिप्ट बोलते ही एकदम लड़की छोड़ के चली जा डेट पे से, इट्स रिसीट रिसीट द पी इज साइलेंट, जब साइलेंट है तो नहीं जो दिया क्यों है। भगा दुवाली बजी आ गई ग्राउंड पे, अब यहाँ क्या सुन रहे हो, अब तो ग्राउंड पे लाइव ही सुनेंगे, ये तो अब रे के लिए है, रचित बजाओ जाएगा घर पे, मैं तो लाइव ही भेजूंगा फुटेज रचित को।
क्या पता क्राउड में मुझे पहचान भी जाए। दुआ वो तो बहुत करे है, मैसेज वैसे तो करती रहे। दुआ डुअल लिपा की बात कर रहा है तू यार? दुआ तो मर दुआ की बात कर रहा हूँ मैं तो। दुआ ही होगा, दुआ लिपा है इसका। हाँ ये हिंदी से ही रखा होगा इसने। कान्ये वेस्ट भी पागल है क्वीन के पीछे, मेरे से इम्प्रेस हो गया लिखा होगा। दुआ से रेफरेंस नहीं समझ रहा। फिर एक फैमिली चल रही बहुत तगड़ी इंस्टाग्राम पे। अच्छा, एक मेरी क्लास में भी था दीपक दुआ, एक उसकी बहन तो नहीं है, उसकी बेटी का नाम है दुआ। अच्छा। एक फैमिली है और उनकी रील ऐसी है, उसे AI फैमिली बोल रहे हैं सब, क्योंकि वे सब ना मतलब बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब जो एक परफेक्ट फैमिली कर सके। दिखा मैं ऐसा दिखा मैं शायद कैमरा ऑफ होते तो बैठ। हम लोग उदयपुर में एंटर कर गए, ये होटल रघु महल का मैं दिखा दे रहा वीडियो, ताकि फिर ये बता के हम इसमें रुक रहे तो एक छोटे से होटल में जाके लेट जाए। ऐसे भी कर सके, बाहर से बड़ा होटल दिखा दो, अंदर से बस सीधा बेड ही दिखाओ, सफेद ही रहे चादर तो। वीर एक डोरमेट्री बुक कर ले फटाफट, सफेद चादर रहे वैसे वीर होटल के बेड की जब तक मैं नहीं घुसता। धर्मशाला में चलेंगे सारे भाई, 100 रुपए में यार। धर्मशाला में रुके टाइम हो गया, मैं जाना चाहिए वैसे। टाइम हो गया, धर्मशाला पिछले साल तो गए थे, हिमाचल में ही तो है। नहीं रुके धर्मशाला में यार, रुके भी थे कहीं कहीं जगह तो प्रीमियम ही रहे धर्मशाला पूरी तगड़ी। तू बहुत रुक गया, तेरे से पूछ रहा था मैं। The next morning. तो अभी सुबह के क्या टाइम हो रहा है भाई? सुबह का टाइम दिखाओ, टाइम दिखाओ, बिना टाइम दिखाए बात नहीं करूंगा। सुबह के 6:25 हो रहे हैं, वैसे हम 5 बजे उठ गए थे, बट थोड़ा रेडी होने में टाइम लग गया। रेडी भी क्या, लोग ज्यादा है और रूम्स दो ही थे तो लोग भी 5 है वैसे। हाँ ठीक है, एक के बाद एक हम 3 है ना एक रूम में। और अब हम सीधा यहाँ से सामान उठा के चाय पियेंगे बस उदयपुर के अंदर। उदयपुर से यार पिछली 2 बार से छोटी सी मुलाकात हो पा रही, देख नहीं पाया मैं सिटी। पिछली बार भी आए थे जब हम स्टैंड अप करने आए, तब कोटा के लिए निकल गए, तब अहमदाबाद के लिए। हम सोच रहे हैं कि अहमदाबाद में इतने थोड़ा ट्रैफिक बढ़े सुबह 11:30 बजे तक, तब तक हम पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्ट 4 घंटे, मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, जो लोकेशन है, वो एग्जैक्ट 4 घंटे यहाँ से। तो सवारी निकल चुकी और भाई जोश है पूरे नहीं है इस टाइम। अभी देख के जाएगी उदयपुर से जो अहमदाबाद हाईवे जा रहा है वहाँ पे कितनी भीड़ है कितनी नहीं है। बाकी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद हम सबसे पहले निकल गए होंगे, अगर निकले होंगे ना अहमदाबाद के लिए फिलहाल, क्योंकि लोग 2:30 बजे का मैच के हिसाब से निकल रहे, हम निकल ले लोग रातों के पड़े वहाँ। हाँ मतलब वहाँ उदयपुर से अहमदाबाद तक का रास्ता बड़ा सुंदर है यार। अगर ऐसे ही रास्ता है ना तो ये 3 घंटे बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, आंख बंद करो 3 मिनट में पहुंचाऊंगा। और अभी पीछे बैठे हुए लोगों सबका पेट टूट गया, चाय मांग रहे लड़के। मेरा सबसे ज्यादा मेरा भूख भी लगी, चाय भी पीने का मन कर रहा हूँ, सो गया। छोटा लक्ष्य है हाँ। कच्चा है बेचारा, थोड़ा सारे दिन सो गया, कच्चा है, नींद से कच्चा बहुत ज्यादा, और चरित्र से भी। पूरे हाईवे पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट की चेन से मैं ठीक दिखी, उसे मारदा गमारदा गाड़ी को देख। नहीं अच्छी है, जितने दिखते आ रहे थे ना उतनों में चाय के ब्रेकफास्ट के लिए काफी। यहां पे जब आपको चीजें बिल्कुल बेयर मिनिमम मिलनी शुरू हो जाए ना, तो आप उसमें भी अच्छी और बुरी देखनी शुरू, वो बहुत अच्छी और बहुत अच्छी देखनी शुरू कर दो। बताओ यार वीडियो लाइफ लेसन नहीं था तो और क्या था भाई? ये अच्छा इसलिए भी लग रहा है ना, मैं अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया, पर सेंटेंस मुझे समझ दो थोड़ा सा। और ये रेस्टोरेंट अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रक नहीं खड़े, गाड़ियां खड़ी है। वीर को ट्रक वालों से बड़ी दिक्कत है, मैं वो नोटिस कर रहा हूँ। अच्छा ये क्या लगा है, छोटे का टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना होगा? साला कैसे नप्पा जा, मुझे तो आज तक ये नहीं पता। हाथ का रख गया छोटा साला कमजोर पड़ गया। बस दो जो मर्द हैं, ये जो लक्ष्य चौधरी बड़े वाले, ये वाले और ये हर्ष डागा जी, ये तो 16-16 घंटे 18-18 घंटे गाड़ी ऐसी भगाते हैं। दो लोंडो ने तो मैं अहमदाबाद लगा दिया, देख तू बैक टू बैक। कंट्रीब्यूशन है छोटे किस चीज में, कहीं में भी नहीं, बात ही कर ले, नहीं तो सो जा पड़ा बात है। चाय मांगे बस, चाय मांगे क्या लेगा, और चाय के साथ पप्पे ले गए वो भी तो फैन बता रहे हैं साला, फिर पता लगा बॉलीवुड के कमेंट सेक्शन में उस दे दे फैन रस्क नहीं होते, रिस्क बोलने हैं फैन दूसरे हो गए, मैं अगले नहीं पढ़ूंगा फैन। और कोई गलत बात बोल दे कमेंट सेक्शन में, मतलब लोग मां बहन को ही ले आवे हैं घर से उठा के। और सुबह सुबह चाय के साथ हमने ट्राई किया पोहा, और क्योंकि हम अहमदाबाद बॉर्डर के पास हैं तो यहाँ पे पोहा है थोड़ा सा मीठा, यहाँ पे पोहा है थोड़ा सा अर्जुना का। ये एंटर कर गए गुजरात में, ये तो सेम है यार राजस्थान से, कुछ फर्क ही नहीं लग रहा। नहीं यहाँ पे लिखा है ना डोंट ड्रिंक, सीमा समाप्त राजस्थान, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अच्छा दारू फेंक दे वीरवार, आखिरी होटल का है यहाँ भाई दारू वाला, उसकी तो सेल बढ़िया होती है, 500 मीटर दूर बढ़िया सेल होती होगी यार उसकी तो।
यार हमने इंडिया की शर्ट नहीं ली, मुझे फोमो हो रहा है। अरे वहाँ पे तो इजी मिल जाएगी, नहीं वहाँ पे 200-200 रुपए मिल जाएगी। 2000 से शुरू होगी, जब तक ग्राउंड में पहुंचोगे 200 तक आ जाएगी। अच्छा, मुझे तो सबसे खराब फैब्रिक वाली लेनी है, क्योंकि मैं पहनू तो हुई नहीं, मैं तो ऐसे दिखाऊंगा एक फोटो के लिए, क्योंकि मुझे वैलिडेशन चाहिए ना लोगों से। ठीक है भाई, ओके ये वाला डाल देना भाई। अरे वीर को छुपा लो भाई, उसे देखते ही पुलिस वाले रोक लेंगे। ड्रेस वाले भी इंडिया की उसमें है बैठे बुरसट में। आज तो अहमदाबाद में माहौल ही है पूरा, माहौल है। अरे हाँ। मोदी जी ने भी इंडिया की टी-शर्ट पहन रखी। नहीं नहीं है, नहीं मोदी मगर अगर मोदी जी टी-शर्ट पहन के आगे तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। मजा आ जाए। नहीं आज मैच हार रहे हो मोदी जी बैटिंग पर, वो मोदी जी वाला वो प्रूव हो गया। मीम बोले चले वेलकम टीम इंडिया। लेकिन मोदी जी की फोटो छोटी लगाई इन्होंने, वो बड़ी फोटो चाहूं मैं ऐसे मीम में तो। ये तो यार हम आए थे इस जगह पिछली बार भी अहमदाबाद, मेरे याद से आ रही हो सड़क यू वाली लगता नहीं मुझे। देख अब कैसी स्टोरी पे स्टोरी डाल के लोगों की गोंड जलम में, लोग भाई एक पोस्टर हो रहे हैं, पैदल शुरू हो गए यहां से, पैदल जाने लग रहे साइड से। पिछले मैच में तो मेरा मेन टारगेट ही था कि जो लोग एटलीस्ट मुझे देख रहे ना उनको पता रहे कि मैं ब्लैक में टिकट खरीदा हूं, पैसा खर्च किया हूं। अच्छा तूने ब्लैक में खरीदा है तो बहुत गलत बात है यार। ये मतलब अलाउ भी ना करता, वेबसाइट से लेता यार भाई। यार अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है वो गलत नहीं है, बट टिकट ले लिए थे वो गलत है। हां गलत है वीर ब्रो, आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ एंड और दूसरा क्या हो, सिस्टम, सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। गवर्नमेंट से बन नहीं पाया था मैं तो बिलीव करता हूँ यार, मैं तो ब्रो ऑनलाइन परचेज करके लाया हूँ। कौन सी करी वही है, माई फ्रेंड whatsapp.com से करी थी। अच्छा टिकट दिया है ना, फिजिकल टिकट कहाँ है अभी लेने जा रहा है, ऐसे भी हो सके मना कर दे हमारा बंदा, कहते साहब 50,000 मतलब उसने लीगली खरीद दी, मैं तो यूँ कह रहा जो हमें दे रहा उसने पूरे लीगल तरीके से खरीद दी। अरे टिकट आ गए हमारे, टिकट आ गए, टिकट आ गए, टिकट आ गए। हमारे पास तो टी शर्ट भी नहीं है, खरीदनी पड़ेगी भाई। ये ले लेंगे भाई, ले लेंगे। टिकट खोलिए भाई, इसके अंदर है चार टिकट। एक्साइटमेंट पीछे से दिखाऊंगा बस, करनी पड़े नोट नहीं रहे। अरे भाई नवंबर 18 लक्ष्य चौधरी इंस्टाग्राम पर वापस आ गए हैं पर अब। अच्छा ये ऐसे होंगे क्या टिकट दिखाने का? नहीं क्यूआर कल को स्कैन कर लेगा, क्या दिक्कत, आगे बैठ देगा। क्या खुलेगा नीचे हो, नजर का चश्मा, बर्फ गिरने वाली है वाला चश्मा है, वेल्डिंग वाला है। हाँ। मैंने 200 रुपए का खरीदा, कम से कम 2,00,000 की वर्थ तो मैंने कर दी। दोस्त कैसा लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ भाई, मैं लगा के देखूँ यार। मेरे पे सनग्लासेस जमते नहीं क्योंकि मेरा फेस बट थोड़ा अजीब है। अरे वैल्यू घट गई, दे 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 दे, 180 के हो गए। नहीं लग रहे भाई, मजा मजा नहीं आया। मैं तेरी तरह एक्ट करूँगा, तू मेरी तरह, इसमें तो दिख चक्कर आ जाएंगे। गांडू ये तो देख ले गाड़ी कहाँ खड़ी हो। लोकेशन ले ली, अरे उठ गया। हमारे ब्लॉग चैनल की गाड़ी कहाँ से आ गई ना, पूरा कंटेंट अपलोडेड है। बहुत बड़ी ड्राइव है या कोई ड्राइव। गाड़ी पार्किंग का सबसे बड़ा सीन था, तो हमने स्टेडियम से 15 किलोमीटर इधर उधर कहीं गाड़ी पार्क कर दी जगह कहीं। हाँ मतलब जगह का जो है नाम लिख लियो, पता लगा रात को भाई मिला नहीं है और हम फिर रहे हैं। पता लगा हर्ष ने चोर बाजार में बेच दी। मेन धंधा यही था, लोग ही गाड़ी लगवा के खुलवा के इंजन बेचना। ब्रो का भी नाम हर्ष है तो कंफ्यूज मत होना। हाँ। तो मेन धंधा यही था कि टिकट तो दे रहा था दोस्ती में, बट उनकी गाड़ियाँ बिकवा रहा था चोर बाजार में। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कैब कर लें, सोच ही रहे अभी। वैसे एक मुझे टेम्पो बहुत तगड़ा दिख रहा, मतलब मजा आ जाएगा अगर इससे मैं एंट्री करूंगा स्टेडियम में। ये टेम्पो सीधा पिच पे ही रुकवाई है। एक जोक कितनी बार मारते हो भाई एक लोग। चलो भाई कैब में फटाफट फटाफट बताओ ओटीपी। ज्यादा भिड़ेगा भी ये स्टेडियम के बाहर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी नहीं पता इतना बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है। ओके ब्रो थैंक यू, टाटा। ऐसा ही है, लोगों से फेवर लेके उन्हें छोड़ के चला जाता हूँ। यहाँ पे रुकी है इंडिया टीम आईटीसी नर्मदा। शमी भाई का रूम कौन सा होगा वीर भाई तुम्हारे हिसाब से? मुझे लगे वो टॉप वाला ही होगा, शमी भाई ऑन टॉप ही आजकल, जिसका शीशा वो हरा कलर का। स्टेडियम के पास जैसे जैसे आते जा रहे भीड़ किस कदर बढ़ती जा रही है ये देखो भाई, पास में आते आते भीड़ बढ़ती जा रही है। अब हमें यहाँ से पैदल जाना होगा, कैब यहीं तक ड्रॉप करेगी सर। लगभग पहुँच ही गए, लेकिन उससे पहले थोड़ा खा पी ले रहे हैं, क्योंकि उसके बाद स्टेडियम में तो कुछ मिलना ना मिलना कुछ कन्फर्म नहीं है। या ब्रो कितने का है? 300 वहाँ पे हम 150 रुपए में वो दे रहा था लड़का, पता है उसमें धोनी भी रहता।
ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ भी ना भाई, इतना बुरी झंड नहीं हुई। स्टेडियम के बाहर फिलहाल खतरनाक माहौल है, और ये अभी हम स्टेडियम से 1 किलोमीटर पहले हैं। लग लिया ढाका जी, सोखी नया मजे लगी। पैसा इसी जगह फेंकते हैं जहाँ लोग तमाशा देखें। छोटा सा दबेली, क्या था दबेली था ना, दबेली, छोटा सा दबेली और वड़ा पाव ब्रेक लिया था। अब शायद मुझे लग रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी होगी, मुझे पता भी नहीं सेरेमनी होगी कब, बस ऐसा ही बता रहा है मैं सुनी सुनाई बातें। लेकिन यहाँ से लोग चले गए ज्यादातर जो यहाँ पे थे ना अभी तक 1 घंटा पहले, तो हम सोच रहे हम भी निकल जाए। और यही रास्ते में, स्टेडियम के रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा है बालियान। फाइनल में जाने की एक्साइटमेंट अलग ही है। ये देखो किस तरह पूरी रोड पे सिर्फ लोग चलते जा रहे, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सड़क पैदल के लिए ही है पीछे तक। ये देखो फैंस के सारे, इतनी भीड़ है कि मेट्रो के ऊपर से भी लोग ही जा रहे होंगे पैदल ही। वो आ गए हमारे साथ के दो बंदे, रलिए फैंस में। अब नहीं, अब मैं किसी से बात कोई बात नहीं करनी, अब मैं किसी का कोई रिश्तेदार नहीं जब तक इंडिया कप नहीं उठा लेती। अपने हाथ में ले लो, और मुझे अब रात को 1 बजे मिलना। वार्नर को दबा लो भाई, ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर मिल गया। ओपनिंग में बहुत रन मारेगा वरना। ये है ग्लिम्स ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये देखो भाई गवर्नमेंट जॉब वाले लोग, भैया अब तो बड़े लोग होंगे भाई। कब से खड़ा पक्के? 2 घंटे। 2 घंटे बड़े ही मिसकम्युनिकेशन हुआ आज हमें, पहले अंदर जाना पड़ गया अहमदाबाद में बहुत। 1 घंटा लोग अभी भी टिकट ढूंढ रहे हैं भाई स्टेडियम के बाहर, और इतनी भीड़ है भाई रे, कैमरा छीन ले कोई। लुक एट दैट, उधर स्टेडियम की एंट्री है और इधर जनता। हमारा स्टैंड उधर है 227, और वो देखो रखी तुम सबकी बोतल। ये रहा वर्ल्ड कप जो आज टीम इंडिया उठाने वाली है। अब पता चला लोग बॉक्स की टिकट क्यों ले हुए हैं। हमारे वाले स्टैंड पे बिल्कुल सामने से धूप पड़ रही, तो बस राष्ट्रगान करने के बाद वापस यहाँ आगे जब तक पहली बॉल फिकेगी। शाम को जाऊंगा अब तो मैच देखने बाकी का। लेकिन भाई मैं ये बताना चाहूँ, अनरियल फीलिंग है, अनरियल। इतने लोग हैं। थोड़ा शाम को अच्छे से शूट करूंगा, अभी तो फोन भी यूं कह रहा ज्यादा हीट हो गया जी, अंदर रख लो। पर मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता, बट अभी भी देख लो लोग आने ही लग रहे। दुनिया कितनी छोटी है गौरव तनेजा जी। और मैं आवाज लगा रहा था, मुड़ के नहीं देख रहे, उन्हें लग रहा कोई सब्सक्राइबर बुला रहा, फिर कॉल गया। कोहली किंग कोहली एंड रोहित शर्मा। मैं भी ये सोच रहा था कि मगर दो लेजेंड्स की बैटिंग चल रही, मजा आ रहा। हाँ हिस्टोरिक मोमेंट ही कर रहे हैं, हिस्टोरिक मोमेंट ही है। राजा महाराजा जैसी कहानी तो नहीं रही हमारी, पर यही बता दिया करेंगे। हाँ क्योंकि एक बार बैटिंग देख के आए थे उनकी, और आज मुझे लगा दोहरा शतक की पार्टनरशिप ना बन गया। टिकट लेके गए, ये नहीं देखा यहाँ क्या हो रहा। यहाँ इस टाइम जो स्क्रीन लगा रखी बड़ी, स्क्रीन नहीं मैच ही यहीं चल रहा, सब तो यहीं चल रहा। दुआ लीपा देखो मी ये करूंगी दुआ लीपा, डेविटेटिंग सुन गया हूँ। कैसे कट्टा दुआ लीपा ने, ना तो दुआ लीपा ही, दुआ लीपा को तो अब अपना नाम प्रार्थना लीपा रख लेना चाहिए। ये योगी जी तुम्हारा नाम बदलता हूँ, दुआ लीपा इन यूपी। वहाँ देखो भीड़ देखो, लेकिन अब देखे तुम मैच यहीं चल रहा हूँ, वहाँ की जगह पे स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ देखो यहाँ है मजा, यहाँ आ रहा शोर, और अभी दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। वह माहौल है आज तो, ये माहौल 10,000 में और 30,000 में फर्क। विकेट हो गया देखे सोसाइटी में देखते हैं और घुस रहते हैं वही चल रहा है भाई। ये टिकट कहाँ से मिली, फ्लैट लिया था उसके साथ फ्री मिली। वे पीछे रह गए लेकिन जिन्होंने प्लॉट लेके घर बनाया। ये मजा नहीं दे भाई। भाई एक और विकेट हो गया भाई, अपने लड़के दिख रहे क्या ऑडियंस में कहीं। पहले प्रोजेक्टर में देखते हैं, फिर सोसाइटी में देखते हैं, अब टीवी में देखते हैं। हर जगह का एक्सपीरियंस ले रहे, वहाँ क्या एक जगह बैठे बताओ। अन्ना दुआ लिपा दिख रही मुझे, मेन दुख उसका है तुम्हें ये नहीं पता। ये तो वहाँ देख नहीं पा रहे दुआ लिपा, लेकिन क्या एड आया चेंज कर दिया चैनल, दुआ लिपा दिख। लेविटेटिंग सुन रहे यार यूट्यूब पे, बताओ वीडियो देख रहे हैं फुल स्क्रीन पे, क्या फायदा टिकट का, मजा आ रहा। लेकिन यही तो फायदा है 10,000 में 30,000 के फ्लैट पे। मैगी पॉइंट का कुछ ये हाल है, लाइन में कौन लगेगा। अरे भैया लग जा भाई लाइन में जाके, अरे है भी लाइन, इसमें बच भी रहा है कुछ या नहीं।
10 ओवर का शो बाकी है बस। इन 10 ओवर में मुझे ऐसा लग रहा 360 रन आ रहे। इनिंग्स के आखिरी बॉल उड़ा दो सारा। अभी सेकंड इनिंग स्टार्ट होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। मैं तो कहूँ बुमराह पहली बॉल पे विकेट ले गए शेयर बग्गे। स्टेडियम में आने का एक फायदा है, कुछ भी कर दो, कोई कुछ कहता नहीं। देख सपोज कुछ नहीं कहने का, कोई अच्छा पिज्जा भी तो है। स्मिथ गया, स्मिथ फटा था। नहीं ड्रोन शो है ये, सब इंडिया के लिए होता। जो बद्दू बनाया, इंडिया जीतती तो मजा लगी था। खैर बहुत कुछ बोलना है अभी, आसमान में बना रखा है। हाँ बहुत कुछ बोलना, लेकिन वो अभी 10 मिनट बाद बोलूंगा। मैं यहाँ से निकल गया, अभी जस्ट स्टेडियम से निकले हम वहाँ से। कल रात मूड इतना खराब हो गया था यार कि फिर हमने व्लॉग नहीं किया। हम जाके सीधा जहाँ हमें स्टे करना था, हम जाके सीधा सो गए थे। तो अभी सुबह बस क्या ही बोलूँ, मतलब सब कुछ बोल दिया लोगों ने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है यार, क्रिकेट ऐसा गेम है कि एक टीम जीतेगी तो एक हारेगी। बस ये था, हमारी स्ट्रीक इतनी बढ़िया बनी हुई थी, हमें लग रहा था हमारी टीम पीक पे चल रही है तो वर्ल्ड कप जीत लेंगे। पर ठीक है यार, अभी नहीं तो कभी और सही, कुछ और सही। बस मुझे बुरा लगा रोहित शर्मा के लिए और विराट कोहली के लिए कि उन्होंने इतना कुछ किया यार इस बार वर्ल्ड कप में टीम के लिए, और एंड में ऐसा हुआ। मतलब उन्होंने लास्ट मैच में बेचारों ने परफॉर्म करा, पर ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं मिलनी वो नहीं मिलनी। पर बढ़िया है, रिकॉर्ड बने और लाइव क्रिकेट देखने का एक्सपीरियंस किया हमने। बस थोड़ा सा अनलकी फील हो रहा कि अभी यार कि लाइव देखने गए तो टीम जीतती नहीं, अगर जीत और जाती तो मतलब लोगों का ऐसा प्लान था वहाँ स्टेडियम में, लोग पटाखे ले गए, रंग ले गए आए हुए थे। हमारा भी ये था कि हम अहमदाबाद में यहाँ सुबह तक जगेंगे, 5-6 बजे तक भाई सेलिब्रेशन चले गए वो। पर ठीक है यार, क्या बोल सकते हैं। क्या हो गया भाई, देना नहीं चला गया तू ओपिनियन? बस अभी लिखी नहीं मैंने स्क्रिप्ट अपनी वाली। ओ ये डिप्लोमेटिक स्क्रिप्ट अभी थोड़ी देर में आएगी।